हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ले जा रहे हैं रामेश्वर। रामेश्वर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक टापू है। यहाँ पर हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। जब रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करी, तो उन्होंने यहाँ पर बालू से ही लिंग का निर्माण किया। वही लिंग आज रामेश्वर में स्थित है और इसे ही रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। युद्ध में जीत प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने दोबारा से यहाँ पर शिव की आराधना करी। तब उन्होंने हनुमान जी को आज्ञा दी कि काशी विश्वनाथ से एक लिंग लेकर आए। तब हनुमान जी वायु के वेग से काशी से एक लिंग लेकर आए और उसे भी यहीं पर स्थापित किया। उस लिंग को अब रामनाथ स्वामी लिंग के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर जाने के लिए पाम्बन ब्रिज से गुजरना पड़ता है। इसकी लंबाई 2065 मीटर है और समुद्र के पानी के तल से ये 12.5 मीटर तक ऊंचा है। 1988 में इस ब्रिज के पैरेलल ही एक रोड ब्रिज का निर्माण किया गया, जिसे इंदिरा गांधी रोड ब्रिज कहा जाता है। पाम्बन ब्रिज दो हिस्सों में खुल जाता है, जिसके बीच में से शिप इसमें से गुजर सकते हैं। ये दुनिया का सेकंड मोस्ट क्रोसिव एटमॉस्फेयर में बना ब्रिज है, इसलिए इसके रख रखाव में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस ब्रिज पर कई बार वातावरण की मार पड़ चुकी है और ये कई बार डैमेज भी हो चुका है। रामेश्वर मंदिर में दर्शन करने से पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है। माना जाता है कि इसके अंदर स्नान करने से शरीर के रोग दूर होते हैं, इसलिए हम भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने के लिए पहुंच गए। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के पश्चात मंदिर परिसर में स्थित 22 कुंडों में स्नान करने का भी महत्व बताया जाता है। रावण ब्राह्मण थे और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए श्री राम ने यहाँ सभी तीर्थों का आवाहन किया था। माना जाता है कि इन 22 कुंडों में अलग अलग तीर्थों का जल है, जिनमें अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो बिल्कुल ही यहाँ की धरती से भिन्न है। चारों तरफ खारा पानी है, लेकिन इन कुंडों में मीठा जल है, जो बिल्कुल ही यहाँ के जल से अलग है। अग्नि तीर्थ और 22 कुंडों में स्नान करने के बाद हमने श्री रामेश्वर के दर्शन किए। मंदिर परिसर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हैं। ये रामेश्वर मंदिर के बाहर की कुछ तस्वीरें। मंदिर में दर्शन के पश्चात अब हम धनुषकोटी की तरफ जा रहे थे। वहाँ पे रोड निर्माणाधीन होने के कारण
हमें इस तरह के रास्ते से गुजरना पड़ा। आपको सस्ते ही लगा देंगे। चटा फिर जो हां क्या लेना है? का वाटर वाटर हां ले लो सब अपना ही है। ले लो ये क्या है? तकली तकली क्या बोलते हैं इसको? 40 रुपया यानी इसको बोलते क्या? सोडा ये आम है खीरा है आम ये लेना है? हां जरूर जरूर नहीं चाहिए कुछ भी चाहिए।